उसने तो 1000 रुपया कहा था, आपने कम भरा, ये तो गलत है ना। हट, तुझे क्या करना है, उसने कम भरा तो चल भाग निकल जाए यहाँ से। तो फिर मेरे पैसे? पैसा वैसा कुछ नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। अरे छोटे गरम चाय ला रे, लेके जा चाय उधर। साले चाय गरम नहीं है। ए साहब के लिए गरम चाय क्यों नहीं लाया रे? आपने तो दिया था। चुप, माफ करना साहब। क्या भैया, यहाँ इतने कमीने लोग रहते हैं, किसी एक भी आदमी ने मेरी मदद नहीं की। छोड़ दे रे छोटू, ये दुनिया ऐसी है, तू अपने काम कर। ₹5। क्या पैसे चाहिए? हाँ फिर? मेरे पास जब पैसे होंगे तब लूंगी। चलेगा ले लो। ले लूं? हाँ चलेगा ले लो, कल तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे आके पैसे दे देना। इतना सब बेच के 5 रुपए ही तो मिलते हैं, वो भी तो फ्री में गुब्बारा दे देगा तो तू क्या खाएगा? मैंने उसे गुब्बारा दिया ना, इसलिए वो हैप्पी होकर चली गई। मुझे चलता है। बारिश में भीग जाओगे इसलिए ले लो। ले लो चलेगा, बाद में मिलोगे तो वापस कर देना, वरना बीमार हो जाओगे। हो रहा है क्या? हुआ मुझे इतना प्यार आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारा कोई नहीं है? हम है ना, है ना दादी? तुम उदास क्यों बैठे हुए बेटा? बोलो ना, हॉस्टल जाते समय ऐसा ही होता है, फिर कभी ले आऊंगा। लेकिन हम तुम्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना, तुम्हारा एक अच्छा सा नाम होना चाहिए। क्या नाम रखें? आदित्य। हाँ, किसी ने रखा नहीं आदित्य। नाइस नेम। एक मिनट देखता हूँ मैं। नहीं नहीं, रुको रुको। पैसे पैसे दे। एक मिनट, देता हूँ देता हूँ, ये लो। पैसे कम क्यों दिया? अरे अरे, ये तो कंप्यूटर बच्चे ने, बच्चे ने तो गोली मार दिया दोनों को। सारे गौर सबूतों पे मद्देनजर रखते हुए इस लड़के ने हत्या की है, इसे 13 साल की सजा सुनाई जा रही है और इसे बाल सुधार केंद्र में पढ़ाई करने भेज दिया जाएगा।
नाम क्या है तेरा? आदित्य। हेलो कैसे? तेरे लड़के को हमने किडनैप किया है। ₹50,00,000। पुलिस को मत बताना। ये कैसर कौन है, कहां रहता है, किसी को पता नहीं। पूरे देश में हर किडनैपिंग के पीछे कैसर का नाम है। ये इसका काम नहीं, बिजनेस है। ये किडनैपिंग कहां से ऑपरेट होती है पता नहीं। इस प्रश्न का जवाब अंधेरे में है। ये कैसर नाम ढूंढने का काम गवर्नमेंट ही करेगा। ये कैसर कौन है रे? सारा स्टेट परेशान हो गया है। उसके ऊपर 115 केसेस हैं। असलियत स्टेट में ये है, सरकार पे पब्लिक डाउट करती है कि कौन ऐसा कर रहा है। अभी ये बड़े आदमी को ही देखो, अकेले खुद से बात कर रहा है। इसे कोई मार के गाड़ने वाले हैं, ऐसा होम मिनिस्टर को बताया है, पर इससे क्या होने वाला है? जैसे क्या कैसर के सामने जाके भाषण देने वाले हैं? इनके सिंसियरिटी के बारे में आपको पता है ना? सीनियर से ऐसी बात की जाती है क्या? मैं तो अपना मुंह बंद रखूंगा, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले चुप रहेंगे क्या? इनकी सीनियरिटी को देख के होम मिनिस्टर बनाया, ऐसे ही कुछ करेगा समझो। जल्दबाजी में ₹1,00,000 कमा गए। कैसर की कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। तेरे बेटे को मारकर मैं और ₹1,00,000 भेजता हूँ। तुम्हारे ₹50,00,000 और तुम्हारा बेटा भेज देता हूँ। और अब तुम अपने बेटे का रेट तय करो। पैसे भेजने के बावजूद भी बच्चों को मार देते हैं, ये क्या हो रहा है? एक पिता के दर्द को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ, इसलिए इस परिस्थिति के बारे में केंद्र से बातचीत करूंगा। कैसर और उसकी गैंग के बंदोबस्त के लिए एक स्पेशल टीम का इंतजाम किया जाएगा और एक सीनियर ऑफिसर को इस काम के लिए दिल्ली से बुलाया जाएगा। कॉफी शॉप अच्छी जगह है, किसी भी हालत में वो मुझे चाहिए। नहीं हो सकता भाई। अबे चल, अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसे खुदा हाफिज। कॉफी शॉप खाली करने के लिए उसे मैंने 3 बार कहा और उसने अभी तक खाली नहीं किया। इतने दिनों से तेरे नखरे उठा रहा हूं, आगे कुछ बोला तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। अगर मुझसे टाइम पूछने की दोबारा गलती की। आज के दिन नहीं भाई, आज मेरा भाई जेल से आ रहा है। भाई
अरे क्यों रे भाई, गली भाई को धमकी दे रहा है? वो जेल से आ रहा है कह के मुझे डरा रहा है क्यों? पिछले 13 साल से वो वहीं है। इतना बड़ा सुरमा है? खलील को जानते हो ना भाई? क्या खलील है वो? नहीं, खलील को खत्म करने वाला। क्या कहानी बना रहा है? तेरी बिल्ट आपस में देख के उसे एक बार देखना ही पड़ेगा। इसी की तो बात कर रहा था ना। ये तो छोटा सा बच्चा दिख रहा है। अरे ये तो बिल्कुल चिकना चिकना लग रहा है। जा रे भाई, जा जा, चल जा अपना काम कर। अच्छा यही तेरा भाई है, इसी ने खलील को मारा है? ओए उधर क्या देख रहा है? इधर देख बात कर मुझसे बात कर। ए इधर देख, मुझसे बात कर। मैं यहां पर कैसे गिरा? मुझको किसने मारा मुझको? तुम लोग खामोश क्यों हो? क्या इसने मुझे मारा? वो वहां पर बैठा है, मैं यहां पर खड़ा हूं, फिर मैं नीचे कैसे गिरा? भाई जिस स्पीड से मारता है किसी को समझ में नहीं आता। स्लो मोशन में देखोगे? स्लो मोशन में तेरे जैसे 100 से लातों से बात करने की आदत है मुझे। प्यार से बात करे? सिगरेट? सच कहूं तो तेरा बुरा वक्त आ गया है, इसलिए मेरी आंखें तेरे कैप के ऊपर है। ये सही नहीं है, लेकिन अभी तुझे जो मार पड़ी है इससे तुझे समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे रोकना है तो रोक ले, कोशिश करके देख ले। चलता हूं। समझ में नहीं आया ना? खत्म साला। उल्लू जैसा दिखता है रे उल्लू। सब कुछ तुझे पसंद आया ना? आया, मारा, पीटा, सिगरेट जलाया और चला गया। और मैं क्या चुप रहूंगा? नहीं बैठेगा, मैं भी नहीं बैठूंगा। एक ही बार तुझे मारूंगा तो वो चुप रहेगा क्या? वो भी आएगा। नेक्स्ट वो, उसके बाद वो। फाइट स्टार्ट। फाइनल में ऐसे ही तुम्हारी बॉडी पड़ी रहेगी। तेरी तो को जरा पर रख यारा, जो
आगे रोके करते उसे तुम मेरे यारा खत्म खत्म ए खत्म खत्म ए खत्म खत्म मार से खत्म खत्म मुड़ेगा दिल से खत्म खत्म ए खत्म खत्म ए खत्म खत्म मार से खत्म खत्म मुड़ेगा दिल से वो दीवानगी यार तू दिखा मौत से मिला जरा आंख तो बन जा तू विद्रोही बेड़ी तोड़े दे तेरी जिंदगी बस तेरी है आजादी वो, 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 वो। ऐसा कुछ कर दिखला तू वो, 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 वो। छीन ले हक आ अपना तू वो कमाल कर दे आजा धमाल तू कर दे रवि कब आया यार? आज ही आया, फिर से जेल जाके आया। तू भी यार बदल नहीं सकते क्या? क्या यार बार बार लफड़ा करते हो और जेल चले जाते हो? हर गलत बात पे तुमको गुस्सा आता है, कितने दिन? ये सब छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, मेरा अच्छा बिजनेस है, दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे, मेरी बात मानो। उन लोगों को मैं भूल नहीं पाऊंगा, उसे मरना होगा, मरना होगा उसे, उसे मैं मारूंगा। वो कौन है ये तो मैं नहीं जानता, पर उसके बारे में तुमने मुझे कभी कुछ बताया भी नहीं, भूल जाओ उसे। बचपन में हम जेल में मिलेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन हम मिले। वैसे ही मैं उसे मिलूंगा, वो मिलेगा मुझे, जरूर मिलेगा। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? उस जगह पर अब एक बिल्डिंग बन गई है, सुना है बिल्डर दुबई में रहता है, चार दिन बाद वो यहाँ पर आ रहा है। उससे कुछ खबर मिल जाए, उस लड़की को एक बार देखना चाहता हूँ, वो जहां कहीं भी है खुश रहे, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। सिर्फ एक बात देख लूं। कुछ दिमाग है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मैं खानदानी लड़की होकर ऐसी शरारतें करती हो, दिन प्रतिदिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों तुम्हारी बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। तुम इतनी अच्छी पेंटर हो, ये सब क्या है? क्या है ये? क्या है? पेंटिंग सर। किसकी? मेरी सर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसने की है, इस पेंटिंग में दिख रहा है वो कौन है? मैं ही हूँ ना? नो सर। शट अप। ऐसा सूट पहन के, चश्मा लगा के, बिल्ली की जैसी दाढ़ी वाला आधा गंजा, दोनों लड़कियों को देखकर लार टपकाता हुआ मैं नहीं हूँ तो दूसरा कौन है? आपको ऐसा लग रहा है सर? लग नहीं रहा, ये है आपको सर। सर क्या लगा रखा है तुमने?
इतना क्लियर कट दिख रहा है ये मैं ही हूँ। मैं क्या तुम्हें उल्लू पागल या बुद्धू दिख रहा हूँ? सच बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो? मैं क्या बच्चा हूँ? बोलती क्यों नहीं हो? बोलो। क्या रे इतना भड़क रहा है? बोलो बोलो। हाँ, तुमसे क्या बोलना है? एक गुड़िया का ड्राइंग किया और फिर भी पूछ रहा है? What's happening? तेरी माँ की आँख हैपनिंग। और एक बार सिगरेट पीते लड़कियों को घूरते नजर आया ना, तो तेरी पेंटिंग नहीं, तुझे ही जमीन में गाड़ के रख दूंगी, समझा? हेलो हेलो, शर्म नहीं आती तुम्हें? गेट आउट। ओके सर। यस 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 यस। ए अमृता, प्रिंसिपल ने तुझे गाली दी और तू हंस रही है? तुमने उसे मुझे गाली देते हुए देखा, मुझे उसे मारते हुए नहीं देखा। हे भगवान, मेरा ऑपरेशन सक्सेस कर देना। ये क्या जेब में हाथ डाल के रखा? इसको पिन चुभाता। पर्स को भी चैन से बांध के रखा है। अच्छा, लड़की सामने खड़ी है, इसे कुछ दिखाई नहीं देगा, पैसे आराम से निकालता हूँ। अबे ओए, कोई सन्नों के धाबे में है क्या? ए बच्चे, इधर आ, आना। भाई मैं देखता हूँ। ऐसा है क्या? अभी दिखाता हूँ इसको एक झलक। ए स्मार्ट, यू कम, नॉट दैट ब्लैक। आजा 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 रे मेरे राजा, आजा आजा। क्या चाहिए? तेरी जान चाहिए, देगा क्या? डर गया ना तू? ये डर गया? जा जा सकता है जा। डर गया। ओ, सर चाय लीजिए। गरम है क्या? हाँ सर। तेरा गांव कहाँ है? गरम मतलब चमड़ी निकलनी चाहिए, नहीं निकली ना? जा गरम चाय ले। क्या ए, क्या हुआ तुझे? वही चाय वापस लेके आया? चर्बी आई है क्या? क्या हुआ रे? तू मेरे सामने बैठता है? चल उठ, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है तू। मैं अपनी मूछें निकाल दूं तो तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूँ, जा। सिर्फ उंगली से क्या होगा, पूरा हाथ करना चाहिए। ए, क्या बोला रे तू? मुझे तो धमकी देता है क्या? ए, मेरी आंखें गिटार की तरह है, लेकिन मेरी बॉडी औलाद है। अरे भाई, कंट्रोल नहीं करेगा क्या तू? आजा, आ, मार, देख, इधर देख, उधर नहीं, इधर देख, इधर, इधर, इधर देख, मुझसे बात कर। मार, मारता क्या? मार, इधर मार, देख, 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 रे। ए, मार रे इसको, मार। भाई नमस्ते। अरे इतना सहाय और इतना फुदक रहा है, इसकी जरूरत क्या थी? ए, तू कौन है बे, बीच में कौन है तू? अबे चुप। भाई तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। ये रुकना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझसे बात करना चाहिए। ए, अपना कमिटमेंट तो मैं खुद ही नहीं मानता रे। ए, देख रे, देख रे। अरे तू मेंटल है? गनी भाई पता है क्या तू? गनी भाई को मारने वाला भाई है ये। उल्लू जैसा दिख रहा हूँ क्या मैं तेरे को? अरे गनी भाई मैं ही हूँ। अरे वो फांदे बाज, तू गनी भाई, मैं उल्लू भाई, और गनी भाई को मारने वाला ए भाई। चल चल भाग। भाई अब तुम ही बात करो, तू निकल ले इधर से, फुट 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 फुट। देख रहे इधर। फिर कभी तूने पॉकेट मारा तो पैसा दे, पैकेट ले। एक पैकेट प्लीज, मुझे दे दे एक पैकेट। पैसा दे पहले। आज नहीं है, कल जरूर दे दूंगी तुझे, मुझे दे दो ना प्लीज। पैकेट देता हूँ, वो ओपन कर पहले। नहीं, ओपन करो वो भी।
दे मुझे, ये क्या तू पागल हो गई है क्या? ए लड़की, ए क्या रहे हो, कपड़े उतारो उसके। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। हाँ भाई का आदमी हूँ, वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी कैरियर चाहता है तो चला जाए यहाँ से। क्या नाम बताया? क्या नाम? डैनी, क्या नाम बताया तुमने? क्या नाम बताया तुमने? हाँ, फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल, क्या नाम बताया? एक ने 10 आदमियों को मारा, किस चीज से मारा, कैसे मारा बताना? हाथों से मारा भाई। हाय बेबी, कैसा लगता है रे? वो गोरा है, चिकना है और स्मार्ट भी है भाई। हाँ, मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट है। तो फिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया रे? छोड़ा नहीं भाई, हम भाग लिए। बहुत चालाक छोकरा है रे तू, दिमाग बहुत तेज है तेरा। 3 महीने में यहाँ पर नहीं था तो 3 महीने में ही सब कुछ बदल गया। कितना नुकसान हो गया मेरा। शाबाश। छोड़ दो डैनी भाई, उसे मैं देख लूंगा। तम है तेरी बात में। हाँ, सचमुच उड़ा डालता हूँ, पर उससे नहीं। अब वो तेरी जगह पर आएगा।
यहाँ पर आएगा। वो मुझे चाहिए। या! उसको ढूंढ के निकालो। या, 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 या। हाय अमृता, मार तो कुछ नहीं लगी, सडन शॉक की वजह से हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आई है। मुझे लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैप्पीली यू कैन गो। थैंक यू, बाय। अब चलें। या हेलो, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें बचाया किसने? किस लिए? उसने डैनी के आदमियों को ऐसा मारा है कि 2 महीने तक उठ नहीं पाएंगे, ऐसा डॉक्टर कहता है। पूरी बॉडी फ्रैक्चर कर डाली है। कौन है वो? बोल, एड्रेस बता उसका। बोल 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 बोल। वो कौन है मुझे पता नहीं। आपको अगर पता है तो मुझे बता दो। किस लिए? शादी करने के लिए। छोटा सा एक्सीडेंट था माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ी। लिसन डैडी, एक फ्रेंड को बचाने गई थी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, एन वक्त पर उसने मुझे आके बचा लिया। वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे आप ही का भेजा हुआ है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। क्यों पता नहीं। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? ओके माँ, मुझे काम है। बाय डैड। तुम्हें देखकर हंसूं या रोऊं समझ में नहीं आता। इतना दुख होने के बावजूद तुम्हारे होठों पर हंसी कैसे आती है? आदत हो गई है। गम और खुशी माँ और डैडी के साथ बांटना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं खुश होती हूँ तो वो भी खुश होते हैं। ओके? और अगर तुम्हारे माँ बाप के कातिल दिखाई दिए तो? वो ना ही दिखे तो अच्छा है। कुछ भी हो जाए मुझे उससे मिलना है। मैं काफी सालों से उसको ढूंढ रहा हूँ सर। वो तो 13 साल पहले मैटर हो गया, जब मेरे पिताजी ने वो घर लिया था, लेकिन अब वो नहीं रहे। मैं तो दुबई में सेटल हो गया। वो लड़की के बारे में मुझे डिटेल्स पता नहीं है। आई एम सॉरी। इतनी उदास क्यों हो? चलो शॉपिंग करते हैं। मेरा आज मूड नहीं है। आदत नहीं है क्या? हाँ। सिगरेट को घुमा लो। दीवानी हो गई हो। मेरी जज्बात तुम्हारी समझ के बाहर है। ओह गॉड। काश इस वक्त वो मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता।
उस एक्सीडेंट के बाद दिमाग खराब हो गया। माधवी कंफर्म। हेलो 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 थैंक्स। किस लिए? फिर से मिले इसलिए। ठीक। ये कोई तरीका नहीं है। उस दिन जब मैं बेहोश पड़ी थी फूफू करके मुझे सेव किया था। अब सिर्फ मेरे थैंक्स कहने से कैसे चलेगा? लाइटर दिया था ना उस दिन तुमने, हिसाब बराबर हो। काफी नहीं, एक कप कॉफी पीनी चाहिए ना। कॉफी आदत नहीं है। टी पसंद नहीं है। चॉकलेट नहीं तो पीने के लिए जिन, रम, विस्की, ब्रांडी, बिया है क्या? अरे बाप रे, मुझे क्या हो गया है? पता नहीं मैं क्या क्या बके जा रही हूँ। करेक्ट, ये मेरा फ्रेंड है। तुम दोनों बैठकर आराम से बात कर लो, मैं चलता हूँ यहाँ से। बाय द वे, आई एम तिरु। कॉफी पीते पीते बातें करते हैं। तुम्हारे बारे में मुझे पता है, तुम हमारे अनऑफिशियल एम्प्लॉय हो। लोन लेकर वापस नहीं भरने वाले लोगों से बकाया वसूल करके तुम हमारे बैंक की मदद करते हो। लेकिन वो नाम क्या है? अब्दुल्ला। नकली डॉक्यूमेंट रख के वो लोन लिया, वसूली करने गए तो दादागिरी करता है। रहता कहाँ पे? वो अब्दुल्ला माल लेके गया था, उसने पैसे नहीं दिए भाई। हे अब्दुल्ला, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना तो अब तुझे माल नहीं मिलेगा। तुमने जो बताया था ये एड्रेस वही है ना? यही है। इसको एड्रेस किसने दिया होगा? अब मैनेज कर। कहाँ है? उधर वेट कर रहा है। वेट कर रहा है? थैंक यू। हाय। अरे बाप रे बाप, यहाँ भी पहुँच गए। मुझे देखकर ही तुम भागने क्यों लगते हो? मैं जैसे ही भागने की सोचता हूँ तुम पहुँच जाती हो। कहो क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ बात बात करनी है ना, इतना ही ना, बात करो। आदि बोल दो, यहाँ पे कोई नहीं है। तुम और मैं और ये पेड़, ये पत्ते, थोड़ी देर में ये सब गायब हो जाएंगे। कह दो। अचानक ऐसे पूछने से? अच्छा फिर एक काम करो, अगले साल सोच विचार करके बता देना, ठीक है? तुम तो एक अच्छे कॉमेडियन हो। कॉमेडी? कॉफी पीते हुए बात करें क्या? मैं आंखें बंद करके बता सकती हूँ कि कौन क्या है। ओहो, ये भी बात है, बोल दो। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? बहुत सॉफ्ट। नाम क्या है? मेरा नाम अमृता है। अच्छा। थैंक यू। इसे देखकर सबको गलतफहमी हो जाती है, सॉफ्टवेयर नहीं अमृता, फुल हार्डवेयर। रोज चार लोगों की पिटाई नहीं करो तो मुझे रात को नींद नहीं आती। यू नो, जो मैं दिखता हूँ मैं वो हूँ नहीं, मैं बहुत बहुत बुरा इंसान हूँ। अब तुम जाओ। बुरे लोग इस तरह सच नहीं बोलते। लगता है मुझ पर मर मिटी है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डरो मत, बता दो। खतरनाक फिगर, एक बार हाँ बोल दे तो फिर। मुझे भगाने के लिए ऐसा बोल रहे हो? तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है, मुझे पता है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, इधर आ। एक और बार दिखाई दी ना तो डायरेक्ट वो कर दूंगा। करना क्या चाहते थे और क्या किया? एक ट्रांसफॉर्मर को छूने जैसा है ये। पल मुझको देखो ना, अपनी अदाओं का जादू यूं मुझ पे फेंको ना। पागल हो तुम कोई या हो दीवाना, या की करू या करू ना। आशिक हो तुम कोई या हो परवाना,
डिस्टर्ब ना कर, डिस्टर्ब ना कर मुझको घड़ी घड़ी। डिस्टर्ब करूंगी मैं, डिस्टर्ब करूंगी मैं डे एंड नाइट। टेंशन ना दे, टेंशन ना दे मुझको घड़ी घड़ी। टेंशन दूंगी मैं, टेंशन दूंगी मैं तुमको एनी टाइम। होटल ना किराए का मेरे से लड़की तुमको जाने जाना है, कभी मिलेगी कहीं ना। मुझ पे तुम अपने डोरे डाले यू ना, मुश्किल है मुझको फसाना। डिस्टर्ब ना कर, डिस्टर्ब ना कर मुझको घड़ी घड़ी। डिस्टर्ब करूंगी मैं, डिस्टर्ब करूंगी मैं डे एंड नाइट। टेंशन ना दे, टेंशन ना दे मुझको घड़ी घड़ी। कभी मेल हुआ होगा ना, दिल का ये खेल मुझसे हुआ कभी होगा ना। दुनिया है गोल क्या ये तुमने सुना, हाँ हो जाएगी तेरी ना। दुनिया से मुझको क्या है लेना देना, ना ही रहेगी मेरी ना। डिस्टर्ब ना कर, डिस्टर्ब ना कर मुझको घड़ी घड़ी। डिस्टर्ब करूंगी मैं, डिस्टर्ब करूंगी मैं डे एंड नाइट। टेंशन ना दे, टेंशन ना दे मुझको घड़ी घड़ी। टेंशन दूंगी मैं, टेंशन दूंगी मैं तुमको एनी टाइम। अंकल आपका पर्स गिर गया, फ्रंट साइड में रखिए। थैंक यू। हाँ अब्दुल भाई, रमी खेल रहे हो? अच्छा कुछ और खेल रहे हो? बैंक से जो पैसे निकाले वो दे दो मुझे। नहीं दिया तो? कुछ और बात होती तो मैं फोड़ डालता था। पैसों का मामला है ना, आराम से सेटल करते हैं। ए, कैनी भाई के माल के पैसे क्यों नहीं दे रहा भाई? दे दूंगा जाके बोल उसे। बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं तुम्हारे, पहले मेरा सेटल कर दो मैं चला जाता हूँ। अपन दोनों का मैटर सेम है, पहले मैं नहीं पढ़ लेता हूँ फिर तू बात कर ले। जस्ट टू मिनट्स, मेरा हिसाब कर रहा है ना? क्या रे? पहले मैं आना, बात मैंने की ना। चुप हो जा साले, बहुत जल्दी है साले। उंगली दिखाता, चुप 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 जा साले, बैठ बैठ। दो मिनट, तू इतना टेंशन में क्यों है? क्या देगा तू, कैश या चेक? तूने डैनी के लोगों के ऊपर हाथ डाला पता है ना? ये दूसरी बार डैनी का नाम सुन रहा हूँ मैं आज। अगर शाम को ठीक 6:30 बजे वो रेड फोर्ट पर मुझे मिलने नहीं आया तो कितने बजे? 6:30 बजे अगर नहीं आया। उसने मुझे यहीं बुलाया था ना? तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास बहुत फालतू समय है? 7:30 बज गए वो अब तक नहीं आया। उसके हाथ में घड़ी नहीं होगी भाई। hey, आ जा। तूने मुझे बुलाया और डैनी आ गया। काहे को बुलाया?
तुम जैसों से कोई नजर उठाकर बात नहीं करता है, मैंने किया है। फुल हैप्पी, दिल खुश साला। 6:30 बजे मुंह उठा के आ गए, काम धंधा नहीं है क्या? अरे तुम 6:30 बजे आने वाले थे, 7:30 बजे आ रहे हो। मैं क्या तुम लोगों की तरह बेकार हुआ? 6:30 बजे तुम लोगों को बुलाया था मैंने, मैं आऊंगा ये नहीं कहा था। मेरी उम्मीद से तुझ ज्यादा है रे। जानता है रे, तूने मेरे आदमियों को मारा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरे जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है, दिल्ली का किंग बना दूंगा मैं तुझे। चला जा जा, पब जाके बियर पीते पीते बात करेंगे। चला जा 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 जा। ए, गाड़ी निकाल रे। चल, तेरे जैसे लोग मुझे बहुत पसंद है। थोड़ा सा प्लान में चेंज है डासन। हाँ बोल ना। ये जुल्फे, ये ड्रेसिंग, ये सारा गेटअप मुझे पसंद नहीं है। अच्छे स्मार्ट बनकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें काम देता हूँ। काम क्या है बताए? तुम जैसे इस पेशे में जितने लोग हैं उन सबको कुत्ते की तरह पीटना। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें अच्छा जॉब दूंगा। चलो चलो बियर पीते, आ जा जा। अरे आ जा रे, ऑटो को बुला रहे, चल आना। तुम मुझे जॉब देगा? हाँ दूंगा, मैंने खुद तुझे यहाँ पर बुलाया था। अब मैं बताता हूँ तुझे किस लिए बुलाया। तू और तेरे आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस मीटिंग के बाद आइंदा ये डैनी, टोनी, सोनी ऐसे नाम मेरे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर सुनाई दिए तो छोड़ूंगा नहीं। मर जाएगा, नहीं बचेगा तू। तुझे क्या चाहिए बोलना, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुझे भी इनके साथ शामिल होना है। तू इसके साथ डिस्कस करके डिसाइड कर ले। तुझे जितना टाइम चाहिए उतना ले ले। मैं तेरे जवाब का इंतजार करूंगा, लेकिन जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना तू खलास। कितने भी आदमियों को भेजेगा तब भी यही होगा। मान ले मेरी बात और समझ जा। मैं तुम्हें पब क्यों दे रहा हूँ पता है? तुम दिल्ली किंग बनोगे, उसको बचा लो। तुम ड्रग्स का धंधा करते हो, पुलिस को शक हो गया है। सावधानी से। रात को डैनी के लोगों के साथ मेरी झड़प हुई है, सब संभल कर रहा है। हाय। अरे ये क्या हुआ तुम्हें? मार लगी है। किससे? बिजली के खंबे से। खंबे को मारने गए थे? किस लिए? चर्बी चढ़ी थी। कॉफी पियेंगे क्या? कॉफी? बैठो। थैंक यू। बैठो बैठो। ए, दो कॉफी। ओके भाई। एक्चुअली कौन सी कॉफी पियोगी? तुम्हारी पसंद की। कैपेचिनो। ओके। ए कैपेचिनो। ठीक है भाई। एक्चुअली एग्जाम्स हो गए। आ रहा है। एग्जाम्स हो गए तो मैं दो कप लेना। मैं गांव जा रही हूँ। कॉफी आ गई। मैं पियो ना। आदि मैं कॉफी। कॉफी गरम है। अरे वही वही। अरे पियो ना। आदित्य मैं गांव जा रही हूँ। हो गया, पी लो पी लो पी लो पी लो। चलो पी ली। ये भी पी लो। चलो। नो थैंक्स। तुम यहाँ पर कॉफी पीने आई थी तो पी चुकी हो, चल। मैं तुमसे मैंने कहा जस्ट लिसन टू मी। जाओ यहाँ से। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैंने कहा ना। अरे तुम अरे चल यहाँ से। उस लड़की को मैंने बुलाया था भाई। चुपचाप निकल जाइए। Oh, my God.
फोकट में ही आदमियों को भेज दिया तूने। लाइफ में सिर्फ एक ही को मारना है तो दूसरा मत बन, मैं कह रहा हूं। चली गई, हमारे एग्जाम हो गए, हम सब गांव जा रहे हैं। वो भी हैदराबाद चली गई, उसके पेरेंट्स वहां रहते हैं। यही बात बताने के लिए तो वो तुम्हारे पास आई थी और तुमने उसे मार के भगा दिया। क्यों किया तुमने ऐसा उसके साथ? थोड़ी सी भी दया नहीं आई तुम्हें उस पर? हालात ऐसे थे कि हाथ उठ गया। अगर वो तुम्हें मिले तो मेरी तरफ से सॉरी कह देना। वन मिनट, वो अभी निकली है, शायद मिलने का चांस हो। उसने मारा, ठीक है, इंसान अच्छा है। मैं हैदराबाद चली जाती हूँ। यहाँ पर उसके माँ बाप की समाधि है। बचपन में ही उनकी हत्या हो गई थी। अक्सर यहाँ आकर वो उनसे अपने दुख सुख शेयर करती है। बेचारी किसी अनाथ को अपने घर ले आई थी और उसी लड़के ने उसके माँ बाप को बीच रास्ते में धोखे से शूट कर दिया। कैसर, तेरे बच्चे को किडनैप किया है। पुलिस को फोन मत करना। नहीं करूंगा। हेलो कैसर। व्हाट कैसर, तुम्हारे डिपार्टमेंट में स्पेशल ऑफिसर को भेजा था ना, कहाँ है वो? मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। दीना नाथ के लड़के को किडनैप किया, पैसे लेके भी बच्चों को मार रहा है। तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में दम है तो लड़के को बचा लो। लेट्स प्ले द गेम। गुड स्लीप, 10 मिनट, हैप्पी। सर टेंशन गया, कुछ बोला गया? नो सर। शूट हिम। सर सच में मुझे कैंसर के बारे में कुछ नहीं पता। क्या पता नहीं बोल रहा है? शूट हिम। अरे सर मुझे कुछ नहीं पता सर। हे, किडनैपिंग केस में रेड हैंडेड पकड़ा गया, फिर भी तू कहता है कैंसर को नहीं जानता। तेरे जैसे लोगों को तो मैं सीधा कर दूंगा। कम ऑन शूट हिम। नहीं साहब छोड़ दो साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब। तू सुधरेगा नहीं, हमने छोड़ दिया तो कैसर तुम्हें मार डालेगा। इससे अच्छा तो मैं ही मार देता हूँ। शूट हिम, डोंट वेस्ट माय टाइम। सर क्या नहीं होगा, लॉ में ही डाल देता हूँ। सर जरा दिमाग से सोचिए सर, ऊपर के ऑफिसरों को जवाब देना होता है सर। गुड पॉइंट, चलो छोड़ दिया। कैसर की जान मुझे इंपॉर्टेंट है, ये गलत है, लेकिन इसको छोड़ दिया तो और 10 लोगों को कैसर मार देगा, वो मुझे पसंद है। सारे एरिया को अलर्ट कर दो और इसे सेव कर दो। नहीं नहीं करूंगा। सर वो लोग धूली पेट के साइड गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। मैं तुम सबसे कह देता हूँ, मुझे कैसर के आदमी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरेस्ट नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे अरेस्ट। जाओ। ए रुक जाओ, रुक गए तुम।
कैसर को अरेस्ट करने आया है कि धूली पेट के आदमियों को मारने आया है? कहाँ है, कहाँ है कैसर, बता कहाँ है? यहाँ कैसर के लिए जान देने वाले लोग भी हैं, मुझे पता है। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ बच्चों की जान को खतरा है। हिंदुस्तान में किधर भी गड़बड़ हुई तो ये धूली पेट की जनता भले ही यहाँ से भाग जाएगी, उससे पहले तू मार मुझे, मार मुझे तू, उसके बाद तू सर्च करना। क्या हो रहा है वहाँ पर सर? आई डोंट वांट एन एक्सप्लेनेशन। पब्लिक प्लेस में ऐसा करेंगे तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और श्रीनु का मुंह बंद कर दो। लिसन, वहाँ प्रेस वाले मौजूद हैं, तुम पीछे हट जाओ। पर ये नहीं। आई सेड इनफ। डैमन, मूव बैक। भाई बोलो। उन लोगों को धूली पेट के अंदर नहीं आने दिया, अंदर आ जाता तो बहुत खतरा हो जाता। देखो देखो वो मुझे किस तरह घूर के देख रहा है, मुझे लगता है कि उसको मेरे ऊपर शक हो गया। मैं देख लेता हूँ। देखने से पहले ही दुनिया से उठा लेना, नहीं तो तुम्हें उठा देगा। मुझे उठाने वाला पैदा नहीं हुआ। फ्रेंड, क्या है ये सब? कैसर। कैसर? एक छोटे बच्चे को किडनैप करके रात को स्टेशन पर डाल दिया। कौन है वो? ये पता होता तो गवर्नमेंट का सर नीचा नहीं होता क्या? ये उसकी एक मिस्ट्री है, तुम्हें क्या करना? चलो यहाँ से। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सब कुछ बता दिया। सच? सच में अमृता, हॉस्टल में आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तुम्हें मारने के बाद उसे बहुत बुरा लगा। हाँ? वो हैदराबाद भी आने वाले हैं। वो आने वाले? हाँ, डेफिनेटली मिलूंगा, बोला है। यस। चाहे तुझे एवरी टाइम, तू भी मेरी हो गई, कह दे ये वन मोर टाइम। गिनती करके करना ये वेस्ट ऑफ टाइम, आज दोनों मिलके करें एंजॉय हर टाइम। प्रेम टाइम, ग्रेट टाइम, बेबी नाइट टाइम, अभी दिल को नहीं है फ्री टाइम। सो 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 कम कर ब्रेक टाइम, अभी तो है अपना टॉक टाइम। दिल ये चाहे उड़ना, अंबर को चाहे छूना, जुल्फों में तेरी जाना, मेरा दिल ये चाहे सोना। तू मुझे खींचे है जैसे और मैं खींची आओ, ना जमीन पे कदम है मेरे, कैसा है ये जादू? मैं दीवाना हुआ क्या? मैं दीवाना हूँ क्या? जाने क्या ये हो गया? या। Bang 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 bang
सोना संग 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 है जी न मरना एक पल अब जुदा न रहना माही तू मेरा तू यार मेरा है सोना गुना 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 न दाना तुमसे है चिपक के रहना मेरी सांसें कैसी ये दीवानगी हर तरफ दिखती है तू आजा मेरे करीब आजा मुझ में आके समा तू तेरे मेरे दरमियां ना हो कोई दूरियां ना हो कोई फासला नो 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 नमस्ते नमस्ते दीदी भैया भाभी मुझे लगा हम लोग नहीं आओगे मेरी प्यारी बेटी की पेंटिंग्स देखने मैं नहीं आऊंगा ये कैसे सोच लिया तुमने ये पेंटिंग्स कैसी लगी इन्हें देखने के बाद आपकी बहन कितनी टैलेंटेड है पता लगता है अमृता जो चाहती थी वो हुआ बहुत खुशी हुई और फिर तुम अमृता को देख के कुछ सीख लो कुछ अच्छा काम करो अरे कैसे हो सकता है दीदी पापा जैसी है और मैं आप जैसी हूँ ओके अमृता मैं चलता हूँ ठीक है भैया दिल्ली पार्टी ना इतना सुंदर है क्या कितनी बार तुम उसके साथ कॉफी शॉप में गई पर कुछ कहा ही नहीं बात करने गई थी पर उसे देखा तो कुछ और ही कह दिया तुम तुरंत दिल्ली वापस चली जाओ पर वो तो यहाँ आने वाला है मेरी फ्रेंड ने बताया वो आने वाला है वो आएगा तो तुम क्या करोगी हाँ, लंच पर बुलाऊंगी इस बार तुम अपना लव मैटर बोल देना आते ही बता दूंगी आ गया हाँ? हाँ? वो आ गया ऐसे समझ लो प्रैक्टिस के लिए जब वो यहाँ नहीं है तो कैसे कहूँ ऐसे समझो मन में तो है ना वो सामने है ऐसा समझ कर तुम फील करके बोल दो दीदी ओके आशु वो तो सच में दिखाई दे रहा है बोलो कम ऑन दीदी बोलो I love you. हाँ, ऐसे ही कहना चाहिए। Yes. क्या वो आएगा चलो अच्छा हुआ उसे देखना था देख लिया मैंने अच्छी फैमिली है फुल हैप्पी दिल खुश चलो मैं दिल्ली जा रहा हूँ ये क्या उससे मिले बिना चले जाओगे वो तुमसे प्यार करती है इसीलिए तो जा रहा हूँ अमृता बहुत खुश रहेगी मैं कौन हूँ अगर उसे पता चला वो खुशी उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी ऐसा नहीं होने दूंगा मैं उससे दूर रहकर जी सकता हूँ मैं दुखी नहीं देख सकता उसे अपने बारे में भी तो सोच तुझे उससे प्यार नहीं है क्या मेरे लिए उसे भूलना होगा इस लाइफ में से मैं कभी नहीं मिलूंगा नहीं मिलूंगा मैं सॉरी
ए, क्या है इधर? कौन हो तुम लोग? और तुम लोग रात में यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो, जवाब दो। नहीं होना चाहिए। ए, कौन है समझ रहा है तू? अजय शास्त्री पुलिस। क्या सबूत है? आईडी है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए तुझे? सर, पुलिस स्टेशन चल तो वहाँ दिखाता हूँ तुझे। क्यों, यहाँ नहीं दिखा सकते? डाउट हुआ है मुझे, प्रूफ करना तुम्हारा काम है। ए, तुम्हारे बात करने का अंदाज मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा देखने का अंदाज मुझे पसंद नहीं। ओके ओके। ए, आउट। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के सीसी कैमरा चेक करते समय तीन लोगों पे शक जाता है सर। सर, ये तीनों अलग अलग डिब्बों से उतरे थे, लेकिन पार्किंग में जो कैमरा लगा था उससे पता चलता है कि तीनों एक ही कार में गए। दिल्ली पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली है सर कि ये तीनों दिल्ली के बहुत ही खतरनाक किलर्स हैं सर। कुछ तो होने वाला है, पूरे सिटी को अलर्ट कर दो। दिल्ली के लिए टिकट चाहिए। कब की चाहिए? आज की। दो दिन हो गए, अभी भी नहीं आया। वो आ जाएगा, उसके आने से पहले उसके लिए गिफ्ट खरीदना चाहिए। चलो। दिल्ली से आया तेरा दोस्त डैनी। हे, ये पेट्रोल है। दिल्ली में मेरे सारे पंप को तूने चला दिए, अब यहां पर मैं तेरी बॉडी को चलाकर खाक कर दूंगा। हे, तू डाल रहे? तू यहीं पे रुक जा। Hey, चल निकाल 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 निकाल। कैसर का आदमी है पता नहीं था, मैं भी कैसर का आदमी हूं। कैसर का आदमी? हाँ, वरना तू कैसर का फोटो अपने पर्स में रखकर क्यों घूमता है भाई? तू कैसर का बहुत नजदीकी रिश्तेदार लगता है, सही कह रहा हूं ना? तुम्हें कैसे पता ये कैसर है? दिल्ली में ये हमारा दोस्त था।
हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। अचानक एक दिन वो गायब हो गया। फिर एक दिन उसका फोन आया मेरे पास और उसने मुझे बताया कि अब लोग उसे कैसर के नाम से जानते हैं। जब भी उसे जरूरत होती है मुझे फोन करता है। क्या तुझे पता है कि कैसर कहाँ रहता है? क्या तुझे पता है कि कैसर कहाँ रहता है? तो कैसर का आदमी नहीं है। अब तो तू गया काम से रे। अबे उठ, अरे गेंडे उठ। थैंक यू। वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, किसी को पता नहीं और मुझे जानने वाला भी बच नहीं सकता है। कैसर मतलब एक ब्लैक मैजिक, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। कैसर मतलब एक नेटवर्क, उससे बचना आसान नहीं है, बहुत ही डेंजर, भूल जाओ उसे। उसकी जान मेरे हाथ में है। नाम बताने का शुक्रिया। चल उठा ले। मुझे पता है मेरे भाई, तू मुझे उठाने नहीं देगा। जानता है तुझे देखकर मुझे बहुत जलन होती है। लड़कियों के मामले में क्या स्कोर है तेरा? वन सेंचुरी तुझ जैसे को मारने का टाइम नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलना। कभी कभी ऐसी सर्विस भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सर्विस अक्सर मैं किया करता हूं। अब ये सब छोड़ मेरे भाई। दिल्ली में मैंने तुझे एक लड़की के साथ देखा, फिर यहां पर भी उसे देखा। अच्छी है जोड़ी, अच्छी है, लव है, बहुत प्यार है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उस लड़की को मार दिया तो मैंने तो तुझे एग्जाम्पल दिया और तूने मुझे शूट भी कर दिया। इसी से पता चलता है कि तुम उस लड़की को कितना कितना चाहते हो। मैं तुझे एक झटका दूं क्या? मैं तुझे मारने के लिए दिल्ली से यहां नहीं आया था। ये तो मेरी किस्मत खराब थी जो तू बीच में आ गया। मुझे किसी को मारने के लिए सुपारी दी गई थी और वो सुपारी इसके लिए थी। जानते हो, इस लड़की को मारने के लिए पूरी तैयारी की गई है। मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं, लेकिन फिर भी ये लड़की जिंदा नहीं बच पाएगी। समझ गया? अब जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। चाहे तो अपनी पूरी शक्ति लगा ले, फिर भी ये लड़की मरेगी। ये बात कंफर्म है, जरूर मरेगी।
हट जाओ सब लोग यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है रे? तुम मुझे बताओ, यहाँ पे खून हो गया है, किसने किया है सब? इंक्वायरी भी नहीं हुई? प्रेस वाले को बुला के पंचनामा करवाऊंगा। वैसे आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वो मिनिस्टर क्या कर रहा है मैं पूछ रहा हूँ। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम अपना पिछाड़ी दिखा रहे हो? अबे ओए, मुझे क्या समझ रखा है? इस प्रशासन में एमएलए क्या? किसी भी आदमी को चींटी भी काटे तो मुझे उस बात का पता चलना चाहिए। और सुनो, ये सब किसने किया, क्यों किया, पहले तुम मुझे बताओ। जरा ठीक से पकड़िए, गिर जाएगा। हैंडकचीफ है, रुमाल, रुमाल। आदत नहीं है। ये लीजिए, ये हत्या इन्होंने की है। इस गन के ऊपर फिंगरप्रिंट आपके ही हैं और ये स्पॉट पर मिली। रात को घर पे थे? आपसे पूछ रहा हूँ, रात को घर पे थे? यहीं पे थे, ये भी लिखिए। क्या कर रहे हो तुम? गुनहगार को मार के जला दिया और तुम इधर ही चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना जेल के अंदर डाल दूंगा। तुम्हें यहाँ कैसर को पकड़ने के लिए बुलाया गया है, शहर की सारी गैंग्स की इंक्वायरी करने के लिए नहीं, समझे तुम? नहीं सर, उसके बारे में। इनफ, मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। तुम अगर कैसर को नहीं पकड़ सकते तो मुझे बताओ। इस एंगल से एवरेज कितना होगा? वैरायटी है ना इस बात में, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हम दोनों का इस तरह से मिलना, घर वालों का हमारी शादी फिक्स कर देना, कुछ नया एंगल है ना। माय डैडी सेंट्रल मिनिस्टर, योर डैडी स्टेट मिनिस्टर, हम दोनों की शादी हो जाएगी तो बड़ा रिच एंगल रहेगा ना, एम आई राइट? एक्चुअली ऐसा शादी का रिश्ता देखना मेरे लिए एकदम क्लोज एंगल रहेगा। हम लोग यहाँ साथ में बैठ कर खाना खा रहे हैं, मालूम है क्यों? पता है, वहाँ हम जो देंगे वो तुम लोग खाते हो और यहाँ हम जो खाएंगे उसका बिल तुम देते हो। गुड ऐश्वर्या, मैं भी तुम्हारे एंगल से सोचता हूँ। अच्छा, मैंने सुना है तुम पेंटिंग करती हो, किसी की भी पेंटिंग कर लेती हो, मेरी भी पेंटिंग बना दो ना। किस लिए? घर पे लगाने के लिए। घर में तो तुम रहते ही हो, तो पेंटिंग क्यों? नए एंगल से, मैं खुद को देख सकता हूँ ना। उसके लिए आईना है ना। डिफरेंट एंगल, इसका मतलब तुम नहीं बनाओगी? बताइए किस लिए? बनाती हूँ। आई थिंक आई टेल यू लेटर, बट यू नो वन थिंग, यू आर वेरी लकी। क्यों तुम्हें पता है? क्योंकि तुम मुझसे शादी करने वाली हो। एक्चुअल में तुम इतनी सुंदर नहीं हो, जस्ट ओके, मैं हैंडसम हूँ और तुम एवरेज हो, इसलिए एंगल बैलेंस करने के लिए मैंने हाँ कर दिया। दरअसल यू आर वेरी लकी, योर सिस्टर इज ऑल्सो डैम लकी, एम आई राइट? कुत्ते, तुझे मुझसे शादी कर दिया? मर गया। मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी मां मुझे मार के लाई है। तुमसे शादी करना मेरी खुशनसीबी है। आपको देखिए, आप एक कौवा लगता है, कौवा। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तो आया ही नहीं, और ये लंगूर आया मुझे शादी करने। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। Why you are laughing? Daydream? Any romantic angle between you and me? Hey, तुम कहाँ जा रही हो? God, how irritating! लगता है दिन ही खराब जाएगा। लाइटर है क्या? ये कौन सा नया एंगल है? कॉफी भी नहीं है? आदत नहीं है। टी पसंद नहीं है? ये तो बहुत एडवांस लगता है। दारू भी नहीं है? जिन, वोडका, विस्की, रम, बियर? इसके पास तो बहुत एडवांस एंगल्स हैं। है क्या? ये तो बेकार एंगल है। हेलो, क्यों बे, लड़की देख ली क्या? अभी तक तो मैं सिर्फ सिंगल एंगल ही था, इधर आके मैं ट्रायंगल हो गया। चल फोन रख। आई एम ऐश्वर्या। दिल्ली की पार्टी। दिल्ली पार्टी? स्मार्ट है ना? स्मार्ट? इन्हें कैसे पता चला? आके दो दिन हो गए
और मुझसे मिले भी नहीं। वो क्या है ना कि अंकल आप चलो मेरे घर चलो। घर पे चलो। हेलो लड़की कैसी है? ये तो बहुत फास्ट है, एक एंगल से नहीं पटेगी, तीन चार एंगल ट्राई करने पड़ेंगे। फोन रख, इस बार तो फ्रेश एंगल ट्राई करूंगा। मैंने उसे कितना कहा आने के लिए लेकिन वो नहीं आया, कहा कि मुझे काम है। दीदी को इन्होंने एक्सीडेंट से बचाया था और वो कहीं भी रुकेंगे तो हमारा नाम खराब होगा ना माँ, इसलिए इन्हें घर ले आई। तुम लोगों ने अच्छा किया। अच्छा तो तुम क्या करते हो बेटे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दिल्ली में होटल्स भी हैं। अच्छा, जो भी कहा उसमें तुम्हारी बेटी को बचाया इतना ही सच है। ये दोनों ऐसे ही हैं, एक बार कोई अच्छा लग गया ना तो बस उसके बारे में ऐसा ही बड़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं। तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन होगा तो भी हम उसे नॉन वेजिटेरियन बना ही देंगे। राजू इनका सामान आउट हाउस में रख देना। देखो बेटा इसे अपना ही घर समझना, कोई टेंशन मत लेना। अब अंदर जाकर फ्रेश हो जाना, तुम्हें जो चाहिए वो खाने को मिलेगा। यस। ये मेरे मम्मी और डैडी हैं। ओके ओके ओके, मैं मिनिस्टर से बात करूंगा, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन वो पेटी वाली बात मत भूलना है। ओके 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 ओके, क्या है? परसों आपने पेटी मांगी थी ना, वही लेकर आया हूं। ओहो, भेज दिया क्या? ये सूटकेस खाली क्यों लग रहा है? आप ही ने तो कहा था कि मुझे सिर्फ एक पेटी पहुंचा देना। उन्होंने ऐसा समझा क्या? ये कौन है? भाभी का भाई है। मेरे यम है, मेरे तो हमदम है। कौन है? मेरा फ्रेंड, दिल्ली से आए हैं। भाभी ने परमिशन दे दी है आउट हाउस दिखाने को। कहा हो गया? हाँ। अब मैं बोल सकता हूँ? सब लेडीज फॉलोइंग हो है? सेंट्रल मिनिस्टर के लड़के को भेजा था, पसंद आया क्या? हाँ, मर गया वो। क्या है रे, तुम सब लोग यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। तुम यहाँ सज सज के क्या कर रही हो? पसंद आया क्या? कहो तो इससे बात कर लेता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो, ये तो मेरा भाई जैसा है। भाई जैसा है, चलो निकलो। बहुत बकबक करने लगी है। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, होमवर्क नहीं है क्या? जाओ तुम भी होमवर्क कर लो। ठहरो, जाओ एक और खरीद लेना। देखा मेरा पावर, मेरे जीजा जी स्टेट का होम मिनिस्टर हैं और मैं इस घर का होम मिनिस्टर हूँ। तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना है ये तुम सोच लो, ये लेडी नहीं बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ। मेरी सारी बातें अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे कहना। नहाना है, गर्म पानी चाहिए। ये शिवराम की तीसरी आँख खुल गई ना तो भस्म भस्म हो जाएगा। खोलो। क्या? तीसरी आँख? खोलना। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, होगी तो खोलूंगा ना। देखा तुम स्लिप हो गए ना। हेल्प करना था इसलिए पकड़ा। अरे रे, हेल्प लेना और हेल्प करना तो उसे बिल्कुल ही पता नहीं। ओके। सुनिए, जा रहे हो कहा था और अब तक घर में ही हो, संभाल के। तुम्हारे बारे में किसी को भी पता चला तो? अमृता की जान खतरे में है, ये उसे पता नहीं चलना चाहिए। क्या होने वाला है हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। ऐसे हालात में उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। अमृता के साथ मेरी सेटिंग कराने के लिए बोल रहे थे, फिर ये बीच में दिल्ली वाले को कहां से घुसा दिए? मुझे उसके आगे पीछे के बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये यहां आके किस एंगल से घुस गया है इसके बारे में पता लगाओ। इसीलिए तो मैं ये लेकर आया हूँ, इसका एक पैग अंदर गया ना तो उसके अंदर के सब एंगल का पता चल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो? तो फिर इसके दो पैग दे देना तो उसके सारे डेंजर एंगल बाहर आ जाएंगे। ये ताला क्यों लगाया? वो भागना नहीं चाहिए। एक्शन एंगल लगाया। या आई लाइक इट। ओके। या और भाई क्या हो रहा है? बोर हो रहा हूँ। मैं आया हूँ ना एंटरटेन करने के लिए। दारू? नहीं रहने दो। क्यों? शराब पीते ही आदमी सच बोलने लगता है। मुझे तो यही एंगल चाहिए था। कम ऑन हैव इट। पियो ना। एक मिनट, चीयर्स तो कर ले। कम ऑन यार, पियो चीयर्स। ये कौन सा चीयर्स था? ये एक्शन चीयर्स था। चढ़ गई रे, बहुत चढ़ गई तुझे। और कोई डिश बता? डायरेक्ट मेन डिश। मेन डिश मतलब? मार लिया ना, खाने की बात कर रहा है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? अच्छा अब समझ में आया मुझे,
कि तुम्हें क्या चाहिए, अमृता से शादी करके उसकी जायदाद हड़पना चाह रहे हो ना? इधर सुनो, असल में ये पूरी जायदाद मेरे जीजा जी के हाथ में ही है। जो भी अमृता से शादी करेगा ये सारी जायदाद अमृता के हस्बैंड की हो जाएगी। इससे अच्छा हम लोग मिलके एक काम करते हैं, इससे उसकी शादी करा देते हैं, इसके बाद पूरी जायदाद बांट लेंगे। फिर जायदाद? मेरी बात को तुम ध्यान से सुनना। कैसे? 20% तुम्हारा, 80% ये एंगल कौन सा था? ओके 50-50, 80-20, 1% तो दे दो। सब तुम्हारा ही है। अरे उसे क्यों, मैं ही हड़प लूंगा। अरे बाप रे, यहाँ सब धुंधला दिख रहा है। मर गया। हाँ हैप्पी, अभी सब ठीक दिख रहा है। अमृता जी की जायदाद है ये, डिसाइड तो कर लो। फिर इसने क्यों मारा? चुप हो गए। तुम लोगों को क्या करना है? मैं तो तुम्हें इंटरटेनमेंट करने आया था। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? चुपचाप बैठे हो? अरे मेरे एंटरटेनमेंट का क्या हुआ? अरे वो तो मार के तो ले रहे हो। तब क्यों ऐसे बोल रहे थे? अरे बाप रे, एक आदमी के इतने सारे एंगल मैंने कभी नहीं देखे थे। चलो भागो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? एक ही साथ जा रहे हो? पहले मैं करके आता हूँ। ये अकेले जाएगा? इसको अर्जेंट है ना, इसलिए। तो मैं करके आता हूँ, मुझे मेरा एंटरटेनमेंट चाहिए। अरे अब एंटरटेन के लिए कुछ ढूंढ, चल ढूंढ रहे। अरे बहुत मार भाग जाता है, साधारण आदमी नहीं है। चल हे भगवान, ढूंढ रहे। एंटरटेनमेंट दिया बगैर भाग रहे हो? खत्म कर दूंगा। हेलो, अरे आप छोड़, मारूंगा कैसे? भाई मत मारो भाई, किसी एंगल से नहीं ट्राई करूंगा भाई। आप भगवान जैसे हमको बचा लिया भाई, छोड़ दीजिए भाई। हे भगवान, बच गया। जय माता दी। अबे अब क्या हुआ? मेरे पिछवाड़े में बोतल घुस गई है। जरा आराम से मैनेज करना भाई। सब सहना पड़ेगा। बेटी अमृता, तुम्हें ऑल्टर के ऑफिस में जाके कुछ पेपर साइन करने हैं। अभी अंकल? हाँ बेटी, भैया ने दिल्ली से फोन करके बोला है। ओके अंकल। वो ऑल्टर वेट कर रहा है। ठीक है अंकल, बाय। चम्मच को दो आंखें होती तो अच्छा होता ना। मैं भी साथ में आऊँ क्या? ड्राइवर तुम यहीं पे रुको। हेलो, मुझे बताए बिना तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं भी आता हूँ। भैया ये रात को कुछ हुआ था? ए, कुछ नहीं हुआ, शराब पीकर कुछ बोल रहा था। अरे तुम कहने दिए होते तब कहता ना। अब बताता हूँ, किसी बार में बैठकर बात करते हैं। बात करते हैं। हेलो अमृता, अभी निकली है। जिस काम से आए थे हुआ? तुम्हारे पास सिक्योरिटी है क्या? हाँ, ऐश्वर्या के लिए है। सिनेमा चले, मजा आएगा। नहीं, अचानक कार में ब्लास्ट होकर हम सब मर जाएंगे, यही हमारे लिए अच्छा होगा। अरे बाप रे, मुझे नहीं मरना। पहले मुझे तो स्पाइडरमैन देखना है, दिल्ली जाना है, वहाँ पढ़ना है। अंकल है ना साथ में, फिर डरने की क्या बात? तुम अपना मुंह बंद रखोगी? अचानक कार क्यों रोक दी? क्या हुआ? जाकर कार में बैठो। चलो आओ बेटा, बैठो प्लीज कम। आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? आपने हमें बुलाया था ना, पी अंकल ने बताया। मैंने?
तुम 1000 करोड़ की जायदाद की वारिस हो। तुमने अगर मुझे आवाज दी होती तो मैं खुद तुम्हारे पास चला आता। अब तुम आई गई हो तो ठीक है, मैंने जायदाद के पेपर रेडी कर लिए, तुम उन्हें पढ़कर अच्छी तरह से समझकर उन पर अपने साइन कर दो बेटा। कितनी साइन करनी है अंकल? अब तक तुम्हारे भैया सिर्फ तुम्हारे गार्जियन थे, इन पर साइन करने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे भैया के नाम पर हो जाएगी। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी फुल एंजॉय करो, सारी हेडेक अब उन पर डाल दो। ये कौन है बेटी? मेरा बॉयफ्रेंड। आपको शौक क्यों लगा? चलो अंकल। आरटी ऑफिस से AP9G777 स्कॉर्पियो किसका है जल्दी पता करो। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुमने किसी से प्यार किया है? बताओ ना। किया है? किससे? श्रीदेवी से। श्रीदेवी से? कैसी लगती थी? खतरनाक फिगर है। दिल्ली? पैदा भी चेन्नई में, बड़ी भी हैदराबाद में, अब बम्बई में। आई लव यू कहा था उससे? अरे कहाँ, 15 साल पहले पैदा होता तो बोल भी देता। अब तो उसकी शादी हो गई होगी, उसके बच्चे भी हो गए होंगे। क्या? मैंने किसी से प्यार किया है या नहीं, नहीं पूछना तुम्हें? पूछो। ठीक है, मैं ही बताती हूँ। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, क्यों? शायद बारिश होने वाली। आने दो। भीग जाओगी। भीग जाने दो। जुकाम हो जाएगा। हाँ, मैं भीगूंगी, मुझे बुखार आ जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या, तुम जाओ, तुम पढ़ो। तुम जाओ। क्यों, भीगना है क्या? तुम्हें जुकाम हो जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। जाओ ना। तुम्हें बारिश पसंद नहीं है ना? बारिश में यूं साथ में बैठकर भीगना कितना अच्छा लगता है। क्यों, अच्छा नहीं लगा? बारिश किसको पसंद नहीं है। नजरे मिल्ला सुन दिल दी गल्ला, खुल्लम खुल्ला कर दे वल्ला इश्क ता बिस्मिल्ला। नजरे मिल्ला सुन दिल दी गल्ला, खुल्लम खुल्ला कर दे वल्ला इश्क ता बिस्मिल्ला। ओह या वल्ला वल्ला करती है दुनिया करने दे हल्ला, खुल्लम खुल्ला कर ले वल्ला इश्क ता बिस्मिल्ला। ओह या है मुझको रब का है शुक्रिया, रब का जलवा वारे वाह, तेरा मिलना वारे वाह। मिला मिला
जादू देखो देखो यूएनी हम खो गए हैं यहाँ भूलने लगी मौसम में मस्ती जरा बल्ला बल्ला करती है दुनिया करने दे हल्ला खुल्ला खुल्ला कर ले बल्ला इश्क रब बिस्मिल्ला ओह ये कम सिन तेरी हर अदा दिल है तुझ पे फिदा हल्का हल्का है नशा बहका बहका मैं जरा महका महका ये हुस्न मेरा बाहों में भर जरा जरा पास मेरे आ जाओ ना मुझसे मुझे चुराओ ना कुछ ना हो जाए यू ना बहको बहको मेरी मस्ती में खो के डोलो डोलो के दरिया में उठा है तुम्हें हमने ना तो आज ये सिलसिला वल्ला 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 नजरे मिला सुन दिल दी गल्ला खुल्लम खुल्ला कर दे वल्ला इश्क द बिस्मिल्ला ओ ये कोई फायदा नहीं वो कुछ नहीं कहेगा शायद तुम्हारे बोले का इंतजार कर रहा होगा हाँ अच्छा तुम डायरेक्ट बोल दो वो देखो आ रहा है हा? ए इधर आओ आई 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 लव लव तुम यहां क्यों आए हो भैया वो रुको तुम यहाँ क्यों आए हो भैया वो मेरी फ्रेंड है अमृता किस काम से आए हो यहाँ मैं ही लेकर आई हूँ चुप रहो डू यू नो हु इज ही तुम्हारे माँ बाप का कातिल है तेरह साल जेल में रहकर आया है ये क्या ये सच है भैया जो कह रही है सच है अब तुम्हारा प्लान क्या है जी आप सोच कह रहे हैं सर इसका एनकाउंटर करवा दीजिए ले जाओ इसे एक मिनट इसे तुम्हारी बहन ही घर पे लेकर आई थी अगर उसे कुछ हुआ तो सब लोग कुछ न कुछ जरूर कहेंगे हमारी बदनामी होगी ये सब कुछ होने से पहले ही हमें सच्चाई पता चल गई इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं छोड़ दो इसे पर ये दोबारा यहां नजर नहीं आना चाहिए आउट अंकल क्या ये सब आपने किया थैंक्स अंकल मुझे मालूम था आप गलत नहीं कर सकते हो सारी हेडेक अब उन पर डाल दो सुनो तुमने जो नंबर बताया था वो गाड़ी है नहीं आरटीओ ऑफिसर ने कहा फेक नंबर होगा ऑडिटर के पास जाकर पेपर साइन कर दो इसका एनकाउंटर करवा दो इसका एनकाउंटर करवा दो इसका एनकाउंटर करवा दो आज तुम्हारी पेंटिंग का एग्जीबिशन का लास्ट दिन है
भैया ने सब वीआईपीस को बुलाया है। अब तुम कह रही हो कि तुम नहीं आ रही? मेरा मूड ठीक नहीं है और घर में भी कोई नहीं है। तुम भी नहीं आ रही हो, भैया भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है बेटी, भैया से करके कैंसिल करवा देता हूं। मत करना, मैं आती हूं। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। लड़की अपने बॉडीगार्ड के साथ अगले 10 मिनट में आर्ट गैलरी पहुंचेगी। चेक दिया क्या? कैसर ने कहा था तुम्हें मारने के लिए, कैसर के प्लान का कोई सबूत नहीं होना चाहिए। Sir! Sir! अमृता को मारने वाले हैं सर वो। कौन? कैसर, कैसर। क्यों? अरे ये सब अब कैसे हो गया? रूलिंग पार्टी और होम मिनिस्टर उनके साथ है। आज पब्लिक और पार्टी दोनों मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं सीएम बनने वाला हूँ तो फिर ऐसे कैसे होने दूंगा? वो उतरेगा नहीं, मैं उतारूंगा। उसकी एक लड़की अमृता उसकी 1000 करोड़ की जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी होम मिनिस्टर के पास है। वो उसके पास आते ही हम लड़की को खत्म कर देंगे। जायदाद के लिए अमृता को एक भाई ने मार दिया, ये बात जब सबको पता चलेगी, होम मिनिस्टर को पता चलेगी, इंक्वायरी होगी, कमिश्नर आएगा, रेजिग्नेशन होगा। अरे सब बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। उस सीट पे मेरा कोई आदमी होना चाहिए। अच्छी बात कही तुमने, अभी से होम मिनिस्टर की पॉलिटिकल लाइफ में फुल स्टॉप। ऐसा होने के लिए परफेक्ट सबूत चाहिए। हाँ, पैसे के पीछे पागल था मैं। केसर ने जैसे कहा था वैसे ही चेक पे मिनिस्टर के साइन लिए, चेक पे किलर का नाम लिखकर बैंक में डाल दिया। जैसा उसने कहा वैसा ही किया। शीनू जैसे लोग पदवी पर होंगे तो कैसर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। अमृता को मारने के लिए दिल्ली से आए हुए कैसर के आदमी को किसी ने मार डाला। जल्दी ही कैसर और एक किला लेकर आया। अमृता ने जिस दिन पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन किया उसी दिन उसको मारना था, पर उस दिन तुम और ऐश्वर्या थे। कैसर के प्लान के हिसाब से अमृता को अकेले में मारना था, उसके घर में और कोई नहीं मरना चाहिए था, इसलिए आज का दिन सेलेक्ट किया। अभी 15 मिनट बाकी हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। कहाँ? कहाँ बताओ? आर्ट गैलरी के रास्ते में, रोड नंबर 7। मिस हो जाएगी, मिस हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे? कहाँ कहाँ पे मिस हो जाएगी बताओ? रोड नंबर कहाँ पे? रोड हेलो, होम मिनिस्टर की बहन को वो रोड नंबर 7 पर मारने वाले। कहाँ? जुबली हिल्स रोड नंबर 7। तुम कौन बोल रहे हो? आदित्य। कम ऑन, क्विक।
नेक्स्ट टारगेट कहां पर है बता। रोड नंबर 30। अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे कौन मारा, कौन मारा मुझे, किसने मारा, ये क्या हुआ? अरे कौन है, अरे पकड़ो, क्या हुआ, मारा मुझे, देखते कुछ हुआ क्या, कौन है भाई, कौन, अरे जल्दी आओ, मार, इतनी हद हो गई। सिक्योरिटी, अमृता की जान खतरे में है। मैं इस पर कैसे यकीन करूं? चेक तुम्हारा है और इस पर साइन तुम्हारा है। तुमने चेक पीए को दिया था, उसने किसको दिया तुम्हें नहीं पता, कैसर को पता है। मैं एक अच्छा इंसान हूं ये बताने के लिए मैं यहां पर नहीं आया था। मैं अमृता को बचाने आया था और बचाया। अब अमृता की देखभाल करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। उससे कुछ नहीं होना चाहिए। कैसर को आप लोग पकड़ नहीं सके। वो मौत से खेलता है, ये आप लोगों ने देखा है। अब उसकी मौत का खेल सब लोग देखेंगे। सर, दो जगह बॉम्ब अटैक हुए हैं। अमृता को टारगेट किया और ये सब आपके घर में जो लड़का था उसी ने बताया। उस कैसर और श्रीनु ने मिलकर ये काम किया है। ठीक है सर, मैं उससे मिलूंगा। तुम श्रीनु पर नजर रखो, उसी से क्लू मिलेगा। हेलो अंकल, आपने आर्ट गैलरी देखी है ना? क्यों, क्या हुआ? उसके बाजू के टेरेस पे आ जाओ। ए, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना। तुम ठहरो दीदी। क्यों, चल अंकल। आप कैसे हो? क्या हुआ था अंकल? आपको देखना था ना, इसलिए मैंने फोन किया। ए, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई थी? अमृता, वो एक बार उसे देख लो तो क्या सब कुछ भूलकर माफ कर दूंगी उसे? कैसे, बचपन में उसने जो किया उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हो। इसने बचपन में मेरे माँ बाबा को मार डाला, मुझसे मेरी बचपन की, मेरी जिंदगी भर की खुशियाँ छीन ली। मुझे जिंदगी भर के लिए दुख देकर देखो कितना खुश है ये, देखो देखो। खुशी ये कैसी होती है ये देखकर एक अरसा हो गया अमृता, तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। क्या सच नहीं है? तुम मेरे घर नहीं आए थे, मेरे माँ बाबा को नहीं मारा तुमने, हाँ बोलो। मेरे पे विश्वास होता तो कब का कह देता मैं। बचपन में जब मैंने कहा किसी ने यकीन नहीं किया, अब कहने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। तुम ही सही हो, तुम्हारा गुस्सा सही है, तुम्हारा दुख सही है। आखिर क्या मिला तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करके? मुझे अनाथ कर दिया, अब मुझे क्यों नहीं मानते थे तुम? मान दो, उसी दिन एक्सीडेंट में मर जाती तो अच्छा होता। क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया मुझे उस दिन? मरने दिया होता, मरने दिया होता। अमृता,
मुझे एक बार देखो तो सही। एक बार इन आंखों को देखो, इन आंखों में तुम्हें एक हत्यारा नजर आता है ना, बुरा आदमी लगता हूं ना मैं, लेकिन इन्हीं आंखों को पसंद करके बचपन में मेरा हाथ पकड़कर घर ले गई थी तुम। इन्हीं आंखों को तुम अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली में अपने घर ले गए थे। अब यही आंखें तुम्हें बुरी लगने लगी है। क्या सच है? आंखों से जो देखा और कानों से जो सुना कुछ सच नहीं है अमृता, सब एक भ्रम है। आंखों से नहीं, मन से देखो। एक बार आंखें बंद कर अपने मन से देखो, सिर्फ एक बार। दिल से उम्मीदों की रोशनी।
रोशनी मन में तू सदा ले चला। भक्त श्रीनु जिंदाबाद, भक्त श्रीनु जिंदाबाद। वो भक्त श्रीनु मैं ही हूँ। भगवान को साक्षी मानकर होम मिनिस्टर ऐसी शपथ लेता हूँ। आज असेंबली में प्लान किया तो बीच में किसी ने काम खराब कर दिया, फिर बीच में किसी ने उंगली कर दी। रिजल्ट क्या निकला? आईने में मुझे सिर्फ रिवॉल्वर ही दिखा। लगता है आईने को किसी ने ऊपर नीचे कर दिया होगा। पता नहीं किसने किया होगा। मैंने। कौन है रे तू? बैठो। मेरे घर आकर मुझे बैठने के लिए कह रहा है? अरे कहाँ रहे सिक्योरिटी? कोई नहीं है, सबको भेज दिया है। सबके सब कहाँ मर गए सिक्योरिटी? सर कहाँ है? क्या कहा तुमने? कैसर? वो कौन है? अच्छा वो उस किडनैपर के बारे में तुम्हें मालूम है? अगर मालूम होता तो तुम मुझे नहीं पूछते। उसको मैं भी कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। उस बदमाश को मारकर मैं होम मिनिस्टर बन जाऊंगा। पर वो सब तो ठीक है, क्या तुम पुलिस डिपार्टमेंट से हो? मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। ओहो, कैसर को मारना है, बताओ वो कहाँ है? ए, मुझे पता नहीं है। बस बस बस, सर की कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। ए, रुको, यही है कैसर। इसी फोन पर वो डायरेक्शन देता है और मैं एंकरिंग करता हूँ सिनेमा के जैसा। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने सर की कसम खाता हूँ। ये मोबाइल तुम रख लो, सब कुछ इस मोबाइल की वजह से कंफ्यूजन है। ओनली इनकमिंग, आउटगोइंग बिल्कुल नहीं। इस पर पर्सनल नंबर से कॉल आता है। फोन आता है पर नंबर नहीं आता। अब मैं बाथरूम में बच जाऊंगा। ओके, एक बात सुन, पर कैसर को तुमने टच किया ना तो तुम खत्म। अब क्या करूँ, ऐसे टाइम पे फोन नहीं करता है। बाहर आ जाओ। मैं नहीं आऊंगा। अरे बच्चे, मैं जो कहता हूँ तुम सुनो। कैसर के बारे में थोड़ा मालूम है पर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बोल दिया नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। लगता है बाहर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। इस पेशाब की महक तो कुछ और ही है। क्या है रे? पेट्रोल। क्या कहा? अगर माचिस जला दी ना तो जल जाओगे। क्यों फालतू टेंशन दे रहे हो? मैं अंदर सुसु करने के लिए गया था। चलो चलते हैं। कहाँ? तुमने कहा ना कैसर के बारे में पता है। मैंने कब बोला? कैसर ने एमएलए को किडनैप कर लिया है और फिरौती की मांग की है। भक्त श्रीनु जिंदाबाद, भक्त श्रीनु जिंदाबाद। एमएलए श्रीनु की किडनैपिंग का ड्रामा यहीं पर खत्म हो चुका है, ऐसी खबर लगातार आ रही है। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला है कि उन्हें कहां पर किडनैप करके रखा गया है। मैं कहां फंस गया? अजय शास्त्री, कुछ गड़बड़ है। तुमने भी उन बच्चों के साथ मिलकर किडनैप किया है। मुझे अपने ही घर में किडनैप करके रख लिया। ये एमएलए और इसकी न्यूज़। किडनैप कैसे हुआ सर? वो मिलने के बाद बताऊंगा। पूरे शहर को हमारे आदमियों ने कवर किया है। सारे चेक पोस्ट पर हमारे ही आदमी हैं। काटने वाला कुत्ता समझकर मुझको यहाँ पर बांध दिया है। जितनी जल्दी हो सकेगा उसे पकड़ लेंगे। तुम मुझे क्या पकड़ोगे? ऑलरेडी मैं तुम्हारे घर में बंधा हूँ। एक बार मुझे छूटने तो दे। हे भगवान, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। कैसर ने मुझे फोन किया। हे भगवान, छुड़ा दे। हेलो कैसर, कहाँ हो तुम? पहले स्पेशल ऑफिसर रजा शास्त्री को खत्म करो। पहले ये बताओ कहाँ हो? मैं तुम्हें पहले से ही कह रहा था, वो खाकी वर्दी वाला ऑफिसर बहुत खतरनाक है। तुमने नहीं सुना। तुम कहाँ हो? उसके बच्चे लोगों ने मुझे किडनैप किया और बैल के जैसा अजय शास्त्री घर में जंजीरों से बांध के रखा है। मैं अपने आदमी भेज देता। ठीक है, और मेरे होम मिनिस्टर बनने का प्लान उन बच्चे लोगों ने और शास्त्री ने मिल के उल्टा कर दिया है, इसलिए उन दोनों को पहले उठा दो। नेक्स्ट होम मिनिस्टर को बाद में, मैं होम मिनिस्टर। यस, मैं कैसर का आदमी हूं, श्रीनु के लिए यहां आया हूं। ठीक है, रोड नंबर 7 पर अमृता पे अटैक होने वाला था। मैंने तुमसे कहा था और तुम रोड नंबर 30 के सेकंड अटैक के पास पहुंचे।
ये बात तुम्हें फोन करते समय मुझे पता नहीं था, लेकिन तुम स्पॉट पर आए जरूर, इसका मतलब तुम्हें प्लान के बारे में जरूर पता था। श्रीनो को किडनैप करके तुम्हारे घर में रखा था, ऐसे क्रिएट किया, कैसर ने तुम्हें फोन किया और तुम उसके लिए यहाँ पर आए थे। कैसर है कहाँ? कहाँ रहता है वो? अगर पता होता तो उसे कब का मार देता मैं। इतनी सिंसियर बातें मत करो, मैटर तक पहुंचो। तुम्हें क्या पता है मेरे सिंसियरिटी के बारे में? बचपन से पुलिस बनने का ख्वाब था, कहीं भी अन्याय होता तो गुस्सा आता था, कष्ट उठाकर पुलिस बना, सिंसियरली ड्यूटी भी की, किसी के सामने मैंने सिर नहीं झुकाया, जहां कहीं भी काम किया वहां इंफॉर्मेशन देकर सब लोगों को यकीन दिलवाया। कैसर को पकड़ने के लिए मुझे अपॉइंट किया, दिल्ली बिहार मैंने दिन रात एक करके उसे ढूंढा, वो तो नहीं मिला, लेकिन उसका नेटवर्क मैंने खत्म कर दिया, हर जगह कैसर के ब्रेकिंग पॉइंट पता किए, उसकी सारी कमियों को जानकर मैंने अपने आप को सेफ किया और उसके एक आदमी को खत्म कर दिया मैंने। लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट, पॉलिटिक्स और ये सारी की सारी पब्लिक उसके साथ है, मैं अकेला क्या कर सकता था? मैंने जो भी किया वो गलत सोचा, मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं एक द्रोही हूं, पब्लिक का पुलिस डिपार्टमेंट में से विश्वास उठ जाएगा, मुझे मार डालो, मुझे मार दोगे तो आधा नेटवर्क टूट जाएगा, मुझे सिंसियरली मरने दो। चले जाओ। स्पेशल ऑफिसर अजय शास्त्री के घर में कुछ गुंडों ने घुस के बम धमाका करके उनकी हत्या कर दी है। भैया इतना नुकसान कर दिया, वो कैसे रहा कौन? दिखाई तो दे, पता तो चले। स्पेशल ऑफिसर अजय शास्त्री ने मुझे किडनैप किया था, अभी अभी उसके कैद से छूटकर मैं सीधा यहाँ भाग के आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ, तुम लोगों को इतना शौक क्यों लग गया? मुझे भी ऐसे ही शौक लगा था। ए तू चुप रहा, मुझे बोलने दे। वो बदमाश कैसर, पुलिस ऑफिसर, होम मिनिस्टर, उन तीनों ने मिल के मुझे मारने का प्लान किया है। ये क्या सरसर लगा रखा है, मुझे बोलने दे। अभी अभी ताजा खबर आई है कि अजय शास्त्री के घर में बम विस्फोट से उनकी हत्या जो की है, उसकी ताजा वीडियो क्लिप्स हमारे पास। अजय शास्त्री हत्याकांड के लेटेस्ट वीडियो क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं। हेलो कैसर, पहले स्पेशल ऑफिसर अजय शास्त्री को खत्म करो, वहाँ पर कोई सबूत बिल्कुल मत छोड़ना, वो खाकी वर्दी वाला बहुत ही खतरनाक है, खत्म कर दे उसे। तू बोला था घर में कोई सबूत नहीं छोड़ना, टोटल आगा पीछा सब खत्म कर देना, कोई चीज नहीं बचनी चाहिए, खत्म कर दे। अब तो खुद खत्म हो गया, निकल ले। अरे कहाँ चला गया? ये कौन हो तुम लोग? चल 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 दे रहे हो? चल। ये सब क्या है? जैसे मुझे बचपन से नफरत है वही मेरी जिंदगी में आ गया, पूरी दुनिया में वही रह गया था प्यार करने के लिए। हाँ, सिर्फ उसी से मुझे प्यार क्यों हुआ? वो कहता रहा कि वो बुरा इंसान है और मैं ही कहती रही उसे कि तुम अच्छे हो, मुझे क्यों समझ में नहीं आया? अपने आप पर। उसने तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा है अमृता, यकीन करो इस बात का। बचपन में तुमने एक बार उसे रोटी खिलाई थी अपने घर, इसीलिए वो 13 साल चुपचाप जेल में रहा, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता रहा। वो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता है, वो किसी की जान ले सकता है, इस पर मुझे यकीन नहीं। उसके बारे में मैंने इंक्वायरी की, वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए घर आया था। आज उसने तुम्हें बचाया है अमृता, उसी ने मेरी भी जान बचाई थी। तुम उसका विश्वास करो, अपने मन की बात मानो, ठंडे दिमाग से सोचो और अपने दिल की आवाज सुनो, ठीक है? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से धूलपेट में कैसर के बहुत आदमी हैं, तुम वहाँ गए तो भी उनको ढूंढना मुश्किल है, वो सब वहाँ मिल के रहते हैं, पुलिस भी वहाँ पैर रखने से डरती है। उसके पहले कैसर का वहाँ के एक बार से लिंक है, ऐसा पता चला है, उस बार का नाम है 7 पब। ये इश्क रुके ना रोके, कोई ना कैसे।
जाए उसका होके। पासपोर्ट रेडी है। और कितने दिनों तक तुम पब्लिक को यूं ही गुमराह करते रहोगे? कहां भाग रहे हो तुम आखिर? कैसर की असलियत अजय शास्त्री। उसे पता चल गया है, उसे पता चल गया है। अगर वो यहां आया तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब मुझे वो ओपन चैलेंज कर रहा है। मारो गोली। भाग जाओ, तुम भाग जाओ। क्या रे, डबल रोल समझ रहा है? सिंगल है। कैसर ही अजय शास्त्री है और अजय शास्त्री कैसर। उसे तुम कुछ भी करके मार डालो वरना वो तुम्हें मार देगा। मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बचपन से ही मुझे पुलिस बनने की इच्छा थी। कपड़े डालकर बड़ा ऑफिसर बनने की इच्छा थी मुझे। लेकिन बचपन में ही मैंने 2 रुपए के लिए सिर्फ खून कर दिया। अजय शास्त्री के नाम से न जाने कितने स्केच बनाकर इतना बड़ा हो गया। इसे मारकर उसे मारकर मैं एक पुलिस ऑफिसर बन गया। कैसर को बचाने के लिए अजय शास्त्री के नाम से जाना गया। अजय परफेक्ट पुलिस ऑफिसर, कैसर पक्का गुनहगार। अजय को वर्दी से प्यार लेकिन कैसर को पैसों से। पब्लिक को अजय पसंद है तो कैसर से लोग डरते हैं और यही कैसर को पसंद है। और इस तरह मैंने अपनी पसंद से 2 कैरेक्टर बनाए और एक को मैंने अपने हाथों से मार दिया। मैं कहीं मिल जाऊंगा इसलिए ऐसी सिचुएशन बनाकर मैंने अजय शास्त्री का नामो निशान इस दुनिया से मिटा डाला। मैं फिर से वो वर्दी नहीं डाल सकता, घूम नहीं सकता। इस सब का कारण कौन है पता है? तू क्या बोला था? मैं कुछ भी कहता तो कहता कि अजय शास्त्री को मार दे, मार दे। लेकिन पता है, मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे राज पर से पर्दा उठ गया। तुम्ही ने मारा है उसे। हमें देखना है, देखना है कह रहे थे तो अच्छी तरह देख लिया ना मुझे। देखा, मर गया। बड़े कष्टों से बनाया था वो कैरेक्टर और उसका साम्राज्य सबका नाश हो गया उसकी मौत से। अरे अमृता ने तुम्हें फोन किया था क्या? अमृता ने? हाँ, वो मिलना चाहती थी। मैंने बता दिया तुम कहाँ हो। हर एक आदमी की एक कमजोरी होती है और तुम्हारी कमजोरी सामने से आ रही है। चले जाओ, अमृता।
अपनी बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हजार के लाना। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका तो इस जनता को क्या बचाऊंगा, इसीलिए आज मैं इस पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने पैसे भेज दिए हैं, उन लोगों को छोड़ दो। उन लोगों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। कैसर, उन लोगों को छोड़ दे। मैं अच्छी तरह जानता था तुम यहाँ आओगे, तुम्हें प्यार है ना उन लोगों से। छोड़ दे उन्हें। बचपन में मैंने इसके माँ बाप को मार दिया, तुम्हारा उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हो। तुम क्रेडिट हो। मारना है तो मुझे मार। तुझे कैसे मारना है ये तो कैसर डिसाइड करेगा, लेकिन पहले इन्हें कैसे मारना है वो सोचूंगा। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, पर मेरी बेटियों को छोड़ दो प्लीज। ओके ओके, लेकिन मैं दोनों में से किसी एक को ही छोड़ूंगा। किसे मारना है किसे छोड़ना है ये बोलो। मेरे पांच गिनने से पहले ही मुझे बता दो, वरना मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा। सुनिए। वन। कैसर। कुछ नहीं होगा। टू। मुझे दोनों चाहिए। थ्री। मुझे डर लग रहा है। फोर। फाइव। बच्ची को छोड़ दो। बच्ची को छोड़ने के लिए कहा, मुझे लगा था तुम्हें छोड़ने के लिए कहेगा। लो उससे आखिरी बार बात कर लो, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। हेलो अमृता। आई एम सॉरी अमृता। प्लीज तुम कुछ मत कहो, मैं आज तक तुम्हें गलत समझती रही, और फिर जब हमारे करीब आने का वक्त आया तब हम अलग हो गए। आदि, मुझे अफसोस नहीं है, जो गलती तुमने की ही नहीं उसके लिए तुमने 13 साल की सजा काटी, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। मैं तो पागल हूँ हमेशा से, कहना कुछ और चाह रही थी और कह कुछ और रही थी। आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, आई लव यू, आई लव यू। ऐश्वर्या, अरे बाप रे, मुझे मना नहीं है, मुझे स्पाइडरमैन देखना है, दिल्ली जाना है, वहां पढ़ना है। दुख हो रहा है, है? अपने पसंदीदा को खोने का बहुत ही दुख होता है ना, बहुत दुख होता है। इस वक्त मैं तुम्हारा सिर्फ एक बार चेहरा देखना चाहता हूं। तुम कहा हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें 12 घंटे का समय देता हूं, अगर तुम यहां पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन यहां पहुंचने में अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हुए तो ये भी गई समझो। 12 घंटे का टाइम देता हूं मैं तुम्हें, तुम अमृता को छोड़ दो, तुम्हें अगर जीना है तो
जितना भागना है, लेकिन 12 घंटे खत्म होने से पहले, एक सेकंड पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, जहां कहीं भी तुम रहोगे। आ रहा है। वो मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं और यहां से चला जाऊं। बोलने दो। लेकिन वो कहां जाएगा? किडनैपर किलर का घर कहां है? धूलपेट। वहां जो जाएगा वापस नहीं आएगा। सही जगह जा रहा है, जाने दो उसे। वहां जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। मुझे कैसर चाहिए, उसके आदमी चाहिए, मुझे किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसर का आदमी हूं, क्या करेगा तू? कैसर हम सबका भगवान है, मारो इसे। उसने तो मार दिया मुझे और मैं मर भी गया। वो यहाँ आएगा और इसे बचाकर यहाँ से ले जाएगा, मेरी आंखों के सामने से इसे छुड़ा के ले जाएगा। देखता तो हूँ उसे कैसे छुड़ाएगा वो। अपने आदमियों से कहो कि वो उसे चले मार दे। जाओ, चले जाओ। ए, क्या बोला तूने? फिर से बोल क्या बोला तूने? बोल। मैंने देखा। क्या? मैंने तेरी मौत देखी। मार दे मुझे, पर अब तू नहीं बचेगा। केसर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो मारने के लिए बोलता था, हम मारते थे। केसर हम लोगों को मारने को कहता है, हम मार देते हैं। किडनैप करके किसको देते हैं? किडनैप करके नर्सिंग को देते हैं, अकाउंट से पैसे गिरते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक कितने लोगों को किडनैप किया है? 30 लोगों को। उसमें से कितने को मारा? 20 लोगों को। गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। एक किडनैपर कितना मिलता है तुम्हें? 5,000। माफ कर दो, माफ कर दो। भगवान पर भरोसा है तुम्हें? तो ऊपर जाकर माफी मांग लेना जरूर। जाओ जाओ। अब तक फोन क्यों नहीं आया? लो फोन दो मुझे। हाँ हेलो। भाग जाओ। अब तक लोग कैसर के नाम से डरते थे, पर अब आलम यह है कि तुम्हारे आदमी तुम्हारे नाम से भागते हैं। कहां जाएगा यहां से? तो पैसे 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 पैसे। भाई तू एक काम कर, वहां जाके उसे मार डाल और पैसे ले आ, जल्दी जा। नहीं भाई रुक। हाँ तू मत जा, तू यहीं रुक, अपने आदमियों को भेज दे। डर लग रहा है? तेरे भाई को मारेगा इसलिए डर रहा है? ए भाई तू एक काम कर, तू ही जा, उनको जाकर दिखा दे कि तू कौन है, उनको ये भी तो पता लगना चाहिए। गलती की है तुमने अपने भाई को भेजा। नर्सिंग कैसा चाहिए मुझे? कैसर। मुझे मालूम नहीं वो कौन है, उसके पैसे यहाँ पे हैं, चाहिए तो ले करके जाओ। फोन। बोल भाई, मार दिया उसे? कौन है फोन पर, तेरा भाई या मेरा शौहर? हर एक का एक ब्रेकिंग पॉइंट रहता है, तेरा भी है। नहीं रुक जा, कुछ मत करना मेरे भाई को, ये डील यहीं खत्म हो गई। तू मेरे भाई को छोड़ दे, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा। Thank you.
तू ग्रेट है। फर्स्ट टाइम किसी ने याद दिलाया है कि कैसर का भी कोई ब्रेकिंग पॉइंट है, लेकिन कैसर का कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, कोई नहीं। कैसर की कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। कैसर क्या है यह तुम्हें अभी पता चलेगा। कैसर क्या है तुम्हें यही दिखाने के लिए मैंने यहां बुलाया है। सुन सुन, हे, तेरी अमृता को तो मार दिया उसे। जब मैं खुद अपने भाई को मार सकता हूं तो तू क्या सोचा तेरी अमृता को छोड़ दूंगा। मार दिया। यस, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। तुझे चीर डालूंगा और मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े होते हुए देखना चाहता हूं। खत्म कर दो उसे।
जिंदा है, अमृता भी मरी नहीं, जिंदा है। मत मारो मुझे। लेकिन वो अभी मरने वाली है। कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा। अमृता नहीं पता चलेगा। अमृता अमृता कहाँ है वो? बता दो। कॉफी पियोगे?